नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हत्या के आरोपी को किया 72 घंटे में गिरफ्तार। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के खनियान थाना में फरियादी जगदीश यादव निवासी शिमलार की रिपोर्ट पर थाना खनियान थाना पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसको गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने गिरफ्तारी के निर्देश दिए। तत्काल थाना प्रभारी अशोक बाबू शर्मा खनिया थाना ने पुलिस टीम बनाकर हत्या के फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु घटनास्थल के आसपास गांव में पूछताछ की और मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हत्या का आरोपी सिमलार का संतु उर्फ संतोख आदिवासी हो सकता है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे बारीकी से पूछताछ कर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपी ने बताया, मृतक से मेरे कुछ पैसों का लेनदेन का विवाद था, जिसको लेकर मैंने बलवीर की हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व टूटी हुई बंदूक को जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जिसको न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। आइए जानते हैं एसडीओपी प्रशांत शर्मा पिछोर शिवपुरी ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। ये मामला कुछ इस प्रकार से है कि दिनांक 24 मार्च को प्रातः 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिमलार में एक व्यक्ति की गड़बड़ी पड़ी हुई है, तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचने की कार्रवाई की और वहां जाके पता चला कि जो मृतक है वो बलवीर यादव है, वहीं गांव का रहने वाला है। और प्रथम दृष्टया ही मामला था कि ये मामला हत्या का है, तो पुलिस ने कई प्रयासों के बाद हत्या के आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया।